नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार आप लोग जो हैं डिटेल पेज को बनाएं। और उससे पहले हम लोग जो हैं ऑर्डर को लेआउट डॉट सी एस एचटीएमएल में ऐड करना चाहते हैं। तो आप लोग जो हैं सबसे पहले इस लिंक को ही जस्ट कॉपी पेस्ट कर लीजिए। और उसके बाद में आप लोग जो हैं यहाँ पर ए एस पी एरिया इक्वल्स टू एडमिन लिखा हुआ है, उसको आप लोग चेंज कर दीजिए। बस एक्शन है, प्रोडक्ट की जगह ऑर्डर लिख दीजिए और इसकी जगह आप लोग जो है इंडेक्स रहने दीजिए, ऑर्डर लिख दीजिए, ऑर्डर्स। ठीक है, तो आप लोग जो है मिनिमल चेंजेस के साथ आप लोगों को नेविगेशन बार में ये चीज़ें दिखाई दे देंगी। प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट्स लिख दीजिए, कैटेगरी की जगह कैटेगरीज लिख दीजिए। अब हम लोग रन कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट को और उसके बाद में हम लोग आउटपुट देखेंगे कि किस प्रकार आप लोगों का आउटपुट जो है वो दिखाई दे रहा है। दोस्तों ASP.NET Core को सीखना बहुत ज़्यादा आसान है, इतना हार्ड नहीं है, तो आसानी से आप लोग सीख सकते हैं टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल के माध्यम से। मैंने पूरे वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को दे रखे हैं और ये आप लोगों को एक सैम्पलिंग का प्रोजेक्ट भी मैंने बनाकर दे दिया है। तो आई होप आप लोगों को ASP.NET Core में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी प्रोजेक्ट में बनाते समय अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मुझे वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को हल बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ऑर्डर्स आ रहे हैं आप लोगों के पास। अब हम लोग नेक्स्ट टास्क पर चलते हैं हमारे। हम लोगों ने ओपन किया register.cshtml.cs फाइल। एक्चुअली में हमारे पास आइडेंटिटी यूजर एप्लीकेशन यूजर है, लेकिन हमारे पास वो यूजर नहीं है जो रोल में हो। अब हम लोग रोल असाइन करेंगे। तो एक बार के लिए हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग रोल है, तो हम लोग डेमो जो है बनाकर इन्हीं यूजर्स में रोल असाइन कर देंगे। और उसके बाद में अगर हमारे पास एडमिन नहीं है तो सबसे पहले हम लोग एक एडमिन बना लेंगे सुपर एडमिन के नाम से, क्योंकि एप्लीकेशन यूजर हमारे पास सिर्फ एक ही है। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या बनाएंगे, एक नया यूजर जो है हम लोग सुपर एडमिन के नाम से बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल यूजर्स यूनिट ऑफ वर्क डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट गेट ऑल। सबसे पहले सारे यूजर निकाले, उसमें से ये चेक किया कि ईमेल एडमिन एट द रेट xyz.com किसका है, वो चेक कर लिया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको एक रोल असाइन कर देंगे एडमिन का। अब हम लोग देखेंगे कि रोल असाइन हुआ या नहीं हुआ। एक्चुअली में यूज़र जो एडमिन जो है वो आइडेंटिटी यूज़र नहीं है, तो ये रोल असाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही यूज़र है, onetarun@outlook.com, और वो भी एप्लीकेशन यूज़र है। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों ने सैम्पलिंग में एडमिन डाला ज़रूर था। यहाँ पर देखिए एडमिन है, यूज़र भी है, लेकिन वो एक्चुअल में आइडेंटिटी यूज़र नहीं, को ना तो आइडेंटिटी यूज़र है ना ही वो एप्लीकेशन यूज़र है। आप लोग देखिए चेक कीजिए, चाहे यहाँ पर आप लोग जो है कितना भी कुछ कर लें वो चीज़ें नहीं आएगी। आप लोग डिबगिंग पॉइंट क्रिएट करके देखें कि आप लोगों के पास यूज़र में क्या रहा है। आप लोगों के पास यूज़र में जो है वो क्या आएगा, एप्लीकेशन यूज़र, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से एप्लीकेशन यूज़र ही निकाला है। आइडेंटिटी जो है डिस्क्रिमिनेटर के नाम से एक प्रॉपर्टी ऐड कर देती है, जिसमें एप्लीकेशन यूज़र और आइडेंटिटी यूज़र जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है उन दोनों में। ठीक है, तो एक बार के लिए जैसे ही मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो आप लोगों के पास जो है यहाँ पर डिबगिंग पॉइंट क्रिएट हो गया। और यहाँ पर आप लोग जो हैं यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर लगाने की बजाय, क्योंकि ये तो यहाँ पर फैच ही नहीं करेगा उसको। अब यहाँ पर देखिए यूज़र में क्या रहा है, यस onetarun@outlook.com, ये तीसरा यूज़र है हमारा डाटाबेस के अंदर का, तो डायरेक्टली ये यही आया। इसका मतलब सिर्फ एक ही यूज़र जो है इसके अंदर आया है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक यूज़र बनाना पड़ेगा सुपर एडमिन के नाम से और उसमें एप्लीकेशन यूज़र बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी एक यूज़र तो है लेकिन एप्लीकेशन यूज़र नहीं है, तो हम लोग एक एडमिन सुपर एडमिन @xyz.com बनाएंगे। और उसके बाद में हम लोग जो है एल्स पार्ट में इसमें जो यूज़र हमारे पास है onetarun@outlook.com, उसको हम लोग यूज़र ट्रीट कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग एक बार के लिए बना लेते हैं, इसको रन करके प्रोजेक्ट को रन करेंगे और उसके बाद में हम लोग एक सुपर एडमिन @xyz.com के नाम से एक यूज़र बनाएंगे। यहाँ पर लिखें सुपर एडमिन, यहाँ पर लिखें सुपर एडमिन @gmail.xyz.com। ठीक है, तो ये एडमिन हो जाएगा हमारा xyz।
तो ये हो गया हमारे पास एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड डॉट कॉम। तो देखिए ये यूजर जो है एक्चुअली में ये एडमिन जो है वो बन चुका है हमारे पास, और अब हम लोग यूजर के लिए भी असाइन कर देंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को एक बार के लिए रोल डालने जरूरी हैं वेबसाइट के अंदर। तो ये डेमो है एक रोल ऐड करने का कि कैसे प्रकार अब हम लोग रोल असाइन करते हैं यूजर को। ऐड टू रोल एसिंक का आप लोगों को इतना ही लिखना पड़ता है, और इसमें आप लोगों को वो यूजर लिखना पड़ता है जिसको आप लोग असाइन कर रहे हैं, और साथ में रोल का नाम लिखना पड़ता है। एल्स में हम लोग क्या करेंगे, यूजर मैनेजर डॉट एड रोल टू एसिंक यूजर, और उसका रोल जो है हमारे पास यूजर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग शो टेबल डाटा कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है दो यूजर जो है होने चाहिए डाटाबेस के अंदर, और हमारे पास जो है एक तो सुपर एडमिन जो है वो भी हो जाएगा, और एक दूसरा यूजर जो है वो एज ए ट्रीट हो जाएगा हमारे पास यूजर। तो ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों को समझानी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि दो यूजर हो गए, एक तो एडमिन हो गया और एक यूजर हो गया। यूजर पहले से एग्जिस्ट करता है vantarun@outlook.com, और सुपर एडमिन को मैंने बना दिया है एज ए एडमिन। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क है हमारा कि हम लोग जो है ऑर्डर डिटेल जो पेज है उसमें कुछ स्टेटस के बेस पर हम लोग जो है ये जो एडमिन होगा हमारा एक्चुअली में वो सारे के सारे स्टेटस को फिल्टर करना चाहेगा। तो हमारे पास जो ऑर्डर हैं वो कौन कौन से हैं, ऑर्डर का स्टेटस जो है वो कौन कौन सा हो सकता है, पेंडिंग हो सकता है, अप्रूव्ड हो सकता है, कंप्लीटेड हो सकता है, और ऑल ऑर्डर हो सकता है। ये चार स्टेटस हैं। अभी हम लोग दो के लिए ही डाटा जो है यहाँ पर बनाएंगे, एक तो पेंडिंग के लिए बना लेंगे और एक अप्रूव्ड के लिए बना लेंगे कि अप्रूव्ड कौन सा हुआ है, जिसका पेमेंट अप्रूव्ड हो गया है वो ऑर्डर स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगा, लेकिन अभी शिफ्ट जिसका होगा वही कंप्लीटेड होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर डिटेल पेज है हमारा। ऑर्डर डिटेल पेज में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर की डिटेल जो है वो शो करेंगे, यूजर के लिए सारे जो है लेवल पर प्रिंटेड होंगे, और जो एडमिन होगा उन पर ऑर्डर के जितने भी जो एड्रेस वगैरह हैं वो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस पर प्रिंट होंगे। तो एक बार के लिए ऑर्डर डिटेल को हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। हम लोग तैयार किसको करेंगे, हमारे ऑर्डर पेज को, मैन को, ताकि हम लोग ऑर्डर स्टेटस को सही तरीके से दिखा सकें। ठीक है, कॉल हो रहा है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रन हो गया ऑर्डर। हम लोग एक बार के लिए चेक कर लेते हैं दोबारा से, धीरे धीरे सीखिए, सब सब चीजें जो हैं आप लोगों को शॉपिंग कार्ट के प्रोजेक्ट के बारे में समझ में आ जाएगी। ये सारा लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स हैं जो कि एडमिन को दिखाई देंगे, लेकिन हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो एक्चुअली में ऑथेंटिकेटेड होते हैं, तो यूजर को यूजर वाइज ऑर्डर दिखने चाहिए। जैसे कि सपोज मैं एक यूजर हूँ तो मुझे अपने ही ऑर्डर मुझे दिखाई देने चाहिए, पहली बात। दूसरा एडमिन है तो उसको सारे के सारे ऑर्डर्स दिखाई देने चाहिए। ठीक है, वो तो ऑर्डर हम लोग कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग ऑर्डर का स्टेटस वाइज जो है वो डिस्प्ले करेंगे। ऑर्डर स्टेटस यानी कि जो ऑर्डर पेंडिंग है, जैसे कि एडमिन है तो ये तो सब चीज़ें देख सकता है, जैसे कि पेंडिंग है तो सारे के सारे पेंडिंग्स आ जाएं, ताकि यूजर को इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि आप लोगों के ऑर्डर्स जो है पेंडिंग है या पेमेंट आप लोगों का पेंडिंग है उसे क्लियर कीजिए। तो एक तो होता है पेंडिंग, और एक अप्रूव्ड होता है कि अगर ऑर्डर अप्रूव्ड है यानी पेमेंट उसका अप्रूव्ड हो चुका है तो आप लोगों का जो ऑर्डर स्टेटस है वो शिप्ड हो या कंप्लीटेड हो वगैरह वगैरह आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, तो इस चीज में भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे कि एएसपी कंट्रोलर, मैंने यहाँ पर एएसपी कंट्रोलर कौन सा हो गया, ऑर्डर हो गया, एक्शन आप लोगों का इंडेक्स हो गया, और एएसपी राउट स्टेटस हो गया आप लोगों का पेंडिंग। तो यहाँ पर आप लोग जो है पेंडिंग लिख सकते हैं, यहाँ पर ही स्टेटस जो है वो चेंज होंगे, बस स्टेटस वाइज ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ऑर्डर की पता लगेगी कि अभी ऑर्डर जो है वो स्टेटस में पेंडिंग है, अप्रूव्ड है, या आप लोगों का शिप हो चुका है, या कंप्लीटेड हो चुका है, और सारे के सारे। तो यही ऑर्डर जो है आप लोगों को स्टेटस जो है वो बताते हैं कि ऑर्डर के एक्चुअली में स्टेटस क्या है। तो एक तो होता है पेंडिंग और एक होता है अप्रूव्ड। पेंडिंग तब तक रहेगा जब तक कि यूजर का इन्फॉर्मेशन जो है या प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन कार्ड तक रहेगा, जैसे ही पेमेंट इनकम्प्लीट होता है तो ऑर्डर का स्टेटस जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, लेकिन पेमेंट का पेंडिंग रह जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है, ठीक है, कि पेमेंट फेल्ड हो जाता है, तो ऑर्डर का जो स्टेटस है वो कार्ड से हटकर ऑर्डर में तो आ जाता है लेकिन पेमेंट अप्रूव्ड नहीं होता है। तो पेमेंट जो है हम लोगों का ऑर्डर स्टेटस ही बताएगा, हम लोग उसको तब तक शिफ्ट नहीं करेंगे तब जब तक कि ऑर्डर जो है अप्रूव्ड नहीं हो जाता, उसका पेमेंट अप्रूव्ड नहीं हो जाता है। तो एक बार के लिए लॉगिन करके देख लेते हैं। यहाँ पर दो हाइपरलिंक आप लोगों को दिखाई देंगे,
ये तो पेंडिंग का है और एक अप्रूव्ड का है। पेंडिंग में यहाँ पर स्टेटस इक्वल्स टू पेंडिंग चला गया, अप्रूव्ड इक्वल्स टू अप्रूव्ड चला गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पेंडिंग वाइज हम लोग यहाँ पर जो टेबल है उसको शॉर्ट करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो डाटा टेबल आप लोगों ने देखी है, उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। वेरिएबल यू आर एल इक्वल्स टू विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च, विंडो का जो लोकेशन है उसको सर्च किया जाएगा। अगर उसमें इंक्लूड इंक्लूड मिल जाता है क्या हमारा ऑर्डर का जो स्टेटस है, जैसे कि पेंडिंग मिल गया या हम लोगों को अप्रूव्ड मिल गया, तो वो हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा यू आर एल डॉट इंक्लूड पेंडिंग, और एल्स में हम लोग लिख देंगे यू आर एल डॉट इंक्लूड अप्रूव्ड के लिए। लेकिन अगर पेंडिंग आप लोगों का है तो हम लोगों की एक यहाँ पर जो एजेक्स रिक्वेस्ट जाएगी वो ये ऑर्डर को लेकर जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के लिए अंदर ही किया, तो हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं इसमें, ठीक है। और उस फंक्शन में ऑर्डर टेबल लिख देते हैं और यहाँ पर यू आर एल लिख देंगे, स्टेटस लिख देंगे, सॉरी हमारा स्टेटस लिख देंगे कि जो पेंडिंग है वो क्या है या जो अप्रूव्ड है वो स्टेटस में चला जाएगा। अब इसमें सारा का सारा डाटा हम इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर टेबल, मैं इसको कॉल कर लूँगा, स्टेटस में मैं यहाँ पर भेज दूंगा पेंडिंग, ठीक है। सिमिलरली आप लोगों को एल्स पार्ट में क्या करना है, अगर आप लोगों का यू आर एल डॉट इंक्लूड करता है अप्रूव्ड को, तो वो ऑर्डर टेबल में क्या भेजेगा, अप्रूव्ड भेजेगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेटस और ऑल ऑर्डर्स जो है वो जस्ट कॉल करेगा और उसके साथ आप लोगों का स्टेटस भी जाएगा। तो क्वेरी स्ट्रिंग में हम लोग जो है वो क्या भेज देते हैं, यहाँ पर स्टेटस भेज देते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे ऑर्डर्स आप लोगों के पास आ गए, यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर क्या आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर स्टेटस वाइज जो है वो डाटा को गेट कर लेंगे। एल्स दोबारा से इफ वाले को जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और एल्स के अंदर पेस्ट कर देंगे यू आर एल डॉट इंक्लूड अप्रूव्ड के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अप्रूव्ड, तो ऑर्डर टेबल में हम लोग यहाँ पर क्या भेज देंगे, अप्रूव्ड, गॉट इट। तो यहाँ पे आ गया ऑर्डर हेडर यूजर डॉट इज इन रोल एडमिन, यूजर इज इन रोल एम्प्लॉय। ये तो रोल्स वाइज यूजर हम लोगों ने गेट किए थे, अब हम लोग स्टेटस वाइज जो है वो गेट करेंगे। तो स्विच केस हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर का जो स्टेटस है वो पेंडिंग भी हो सकता है, अप्रूव्ड भी हो सकता है, कंप्लीटेड भी हो सकता है, ऑल भी हो सकता है, या शिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है ऑर्डर का स्टेटस है जो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा वन बाई वन। अभी हम लोग जो है सिर्फ दो ऑर्डर वाइज ही चेक करेंगे, पेंडिंग और अप्रूव्ड, ठीक है। पेंडिंग का मतलब जिसका पेमेंट ही पेंडिंग है, और अप्रूव्ड का मतलब जिसका पेमेंट अप्रूव्ड हो गया है। तो एक बार के लिए हम लोग ऑर्डर हेडर यहां पर डाल देते हैं, केस पेंडिंग इक्वल्स टू ऑर्डर हेडर में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ऑर्डर हेडर डॉट वेयर। आप लोग ये डाल सकते हैं कि जो स्टेटस है वो क्या है, तो स्टेटस तो पेंडिंग होगा, तो पेंडिंग क्या होगा, एक्स डॉट पेमेंट स्टेटस इज डबल इक्वल्स टू पेमेंट स्टेटस क्या होगा, हमारे पास क्लास है पेमेंट स्टेटस की, पेमेंट स्टेटस डॉट पेंडिंग, पेमेंट पेंडिंग, स्टेटस पेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटस पेंडिंग जो है, पेमेंट स्टेटस जो है वो यहाँ पर अगर ऑर्डर हेडर का, तो उस वाइज वो क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा उसको, फिल्टर कर देगा। तो वो ऑर्डर हेडर के अंदर डाल देगा, ठीक है। अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड वाले डाटा ही हम लोगों को निकालने हैं। तो पेमेंट का स्टेटस क्या होना चाहिए, पेमेंट स्टेटस डॉट स्टेटस अप्रूव्ड। तो सिर्फ ऑर्डर हेडर में वो ही इंफॉर्मेशन आएगी आप लोगों के पास जो कि अप्रूव्ड वाले पेमेंट हैं, और पेंडिंग वाले पेमेंट हैं वो पेमेंट वाले, पेंडिंग वाले पेमेंट आएंगे, ठीक है।
इसको रिफाइन करने की भी ज़रूरत है। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ऑर्डर आईडी वाइज जो है वो डाटा गेट करने होते हैं। यहाँ पर ये हाँ यहाँ से हटाकर हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक है अब ठीक है, क्योंकि वो कोई ना कोई रोल्स में तो होगा ही वो। अगर अनोनमस यूज़र नहीं हुआ तो हम लोगों ने ऑथराइज कर रखा है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ में तो उसकी आइडेंटिटी ज़रूर होगी। तो ऑर्डर हेडर हम लोगों ने दोनों में ऐड कर रखा है। अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं और हम लोग इसका स्टेटस चेक करते हैं कि उस वाइज डाटा जो है वो शॉर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास स्टेटस इक्वल्स टू पेंडिंग, पेंडिंग पर जा रहा है लेकिन डाटा को शॉर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम लोग एक बार के लिए दूसरे ब्राउजर में भी चेक करना ज़रूरी है इसको, क्योंकि सब कुछ तो सही है उसके बाद में भी ये चीज़ चेक नहीं हो रही है, तो हम लोगों को दूसरे ब्राउजर में इस चीज़ को चेक करना ज़रूरी है। तो एक बार के लिए ईमेल हम लॉगिन कर लेते हैं। ओके यस, ये ब्राउजर की मिस्टेक थी, वो कैशिंग करके बैठा है। अप्रूव्ड वाला अप्रूव्ड हो गया, पेंडिंग वाला पेंडिंग हो गया। ठीक है, यहाँ तक भी हो गया कि जो ऑर्डर के स्टेटस हैं वो भी चेंज हो रहे हैं और वो भी फिल्टर हमारे पास हो रहे हैं, तो उसमें भी हम लोगों के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पेंडिंग और अप्रूव्ड का भी हम लोगों ने चेक कर दिया है कि ऑर्डर के स्टेटस कौन कौन से पेंडिंग। अब हमारी बारी आती है शिफ्ट वाले की। शिफ्ट हम लोग उसी को करेंगे जिसका ऑर्डर जो है हम एडमिन देख पाएगा, तभी वो शिफ्ट करेगा उस चीज़ को। तो ऑर्डर डिटेल पेज में हम लोग चलते हैं और ताकि ऑर्डर जो है फाइनलाइज हो शिफ्ट के लिए। ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर डिटेल में क्या गेट करेंगे, ऑर्डर की डिटेल गेट करेंगे, तो ऑर्डर हेडर भी हम लोगों को गेट करना पड़ेगा। ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों की ऑर्डर वीएम में है, तो आप लोग ऑर्डर वीएम का एक जो है ऑब्जेक्ट बना लीजिए और उसमें ऑर्डर डिटेल और ऑर्डर हेडर को इनिशियलाइज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जो है रिटर्न कर देंगे वीएम को ऑर्डर वीएम के अंदर। ठीक है, तो ये चीज करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने निकाला ऑर्डर हेडर के अंदर यूनिट ऑफ वर्क डॉट ऑर्डर हेडर डॉट गेट टी एक्सटेंड्स टू एक्स डॉट आई डी एंड इंक्लूड प्रॉपर्टीज। आप लोगों ने एप्लीकेशन यूजर कर दी उसमें कि एप्लीकेशन यूजर जो है वो भी गेट हो जाए साथ में ऑर्डर हेडर के अंदर। ठीक है, और ऑर्डर डिटेल में आप लोगों ने गेट ऑल निकाल ली, ऑर्डर डिटेल तो गेट ऑल आएगी प्रोडक्ट के साथ, तो इंक्लूड करेंगे इसमें प्रोडक्ट को हम लोग। ठीक है, तो इंक्लूड कर देंगे हम लोग ऑर्डर डिटेल डॉट गेट आई डी। यहाँ पर एक्सटेंड्स टू आई डी इक्वल्स डबल इक्वल्स टू आई डी आ गई ऑर्डर आई डी जो है, और यहाँ पर प्रोडक्ट को हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टास्क क्या करेंगे, इसको ऑर्डर वीएम के अंदर इसको भेज देंगे, उसके बाद में व्यू जनरेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखिए ऑर्डर डिटेल के अंदर आप लोगों के पास क्या है, प्रोडक्ट है। सेमीकोलन लगा दीजिए और उसके बाद में वीएम में इसमें भेज दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और एक अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।